Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So, in this video, I am going to decode Agriculture and Rural Development syllabus for you. We know ARD is very important for NABAD exam, right? चाहे आपका फेज वन हो या फेज टू अगर आप जर्नलिस्ट से अप्लाई करते हो तो बोथ फेज के लिए आपको ए पढ़नी है एंड अगर आप स्पेशलिस्ट से अप्लाई करते हो फिर भी आपको फेज वन के लिए एग्रीकल्चर पढ़नी है न प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम इज दैट कि मैम हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है हमने एग्रीकल्चर कभी पढ़ी नहीं है हमें एग्रीकल्चर ज्यादा समझ नहीं आती है राइट वी आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड वी आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड सो अब उन बच्चों के लिए एग्रीकल्चर बिकम अ क्वाइट चैलेंज राइट ना हाउ यू पीपल कैन अप्रोच टू दिस तो आप क्या करोगे यू हैव टू सी दिलेबस राइट ना सिलेबस को डी कोड करनाबस देखना एक चीज हो गईस को डी कोड करना इज अनदर थिंग एंड टूडे आई एम गोइंग टू डी कोड ए आर डी सिलेबस फॉर यू एंड लेट सी हाउ यू कैन डी कोड दिलबस विद्प ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन बिकॉज टूडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू सेम विद्वेंटी ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन That are asked in agriculture and rural development. We are going to decode the syllabus as well as we are going to see what are the important chapters, what are the important topics of agriculture and rural development. So, with that, let's start our today's video. But before starting, I have a request if you are new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel as well as if you want to download the PDF of this session or session related to Nabad, you can join us on our Telegram channel. Okay.

पे आपको minimum भी clear करनी है है और थोड़ा बहुत इतना स्कोर करना है कि आपकी overall clear हो जाए अगर आप जर्नलिस्ट पोस्ट से अप्लाई करते हो अगेन हंड्रेड में से जो आपके मार्क्स है पेपर टू के फिफ्टी परसेंट मार्क्स इज ऑफ ए आर डी ओके सो विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इसका मतलब क्या है कि आपको एग्रीकल्चर तो पढ़नी है एग्रीकल्चर से बच के तो नहीं जा सकते राइट नाउ लेट सी हाउ यू कैन स्टडी हाउ यू कैन डी कोर्ट दिस एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सब्जेक्ट सो फर्स्ट विल डू वील सी द सिलेबस सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिलेबस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू शुड गो टू द नोटिफिकेशन रेफर टू द नोटिफिकेशन एंड रीड द सिलेबस जस्ट रीड द

आपके यूजली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम द करंट अफेयर दैट इज द करंट स्कीम रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट ओके सो यहाँ पे स्टैटिक का वेटेज कम हो जाता है रूरल डेवलपमेंट पार्ट में स्टैटिक कम होती है बट हाँ आपको रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड वो करनी होती है टू कवर दिस पार्ट ओके ना सिलेबस को सेग्रीगेट कैसे करें ओके okay, इस सिलेबस को थोड़ा इजी फॉर्म में कैसे लाएं सो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या करो यू हैव टू डिड सिलेबस ओके सिलेबस को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट सेक्शन में सो फर्स्ट इज द जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट ओके देन वी हैव सॉयल एंड वॉटर कंजर्वेशन वी हैव वाटर रिसोर्सेज देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अंदर कर दिया अलग कर दिया देन हॉर्टिकल्चर अलग कर दिया एनिमल हस्बेंड्री को अलग कर दो देन फिशरीज को अलग कर दो फॉरेस्ट्री एक्सटेंशन इकोलॉजी क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर अगेन इंडियन एग्रीकल्चर इसको अलग कर दो फिर ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर इश्यूज ऑन फूड सिक्योरिटी ये सब चीजें आप अलग अलग कर दो जो भी आपके सिलेबस में दिया है राइट नाउ वंस यू हैव डन दिस एक्सरसाइज देन व्हाट यू कैन डू यू कैन पिक वन

आपने एग्रोनॉमी देखनी है की डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप वो आपने देखना है देन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते क्लाइमेटिक जोन क्या है कितने क्लाइमेटिक जोन है कैसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्लासीफाई हुए है?

ड्राइलैंड एग्रीकल्चर जब आप पढ़ोगे, यू विल स्टडी एग्रीकल्चर, यू विल सी द कैटेगरी ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन सा ड्राइलैंड एग्रीकल्चर फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी ओके सो दिस इज द सिंपल थिंग विच यू हैव टू दिस इज द जनरल थिंग विच यू हैव टू नो इन रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक ठीक है इतना कोई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं यू हैव टू हैव जस्ट जनरल आइडिया अबाउट दिस टॉपिक एग्रीकल्चर like, पढ़ते हो तो व्हाट इज ड्राइलैंड एग्रीकल्चर राइट अब उसकी कैटेगरीज पढ़ोगे कि कितने टाइप के ड्राइलैंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर किस बेस पे कैटेगरी बनी है बेसिकली अमाउंट ऑफ रेनफॉल दिसिकुलर रीजन उसके बेसिस पे कैटेगरी बनी है तो उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा राइट right? देन अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न की बात करो तो हम जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे तो वहां पे भी लर्न अबाउट इंटर क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग रो क्रॉपिंग स्ट्रिप क्रॉपिंग रिले क्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग से क्वेश्चन इज देयर सिंपल राइट देन वेन यू स्टडी अबाउट एग्रो मेट्रोलॉजी मेट्रोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट हेयर मेट्रोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या है हाउ इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज रिसीविंग रेनफॉल थ्रू मानसून सो so, आप मानसून के बारे में पढ़ोगे यू विल गेट टू नो अबाउट वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मानसून साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून अब क्वेश्चन इज फ्राम द साउथ वेस्ट मानसून सो इजी राइट देन अगैन वेन यूल स्टडी अबाउट सीड यूल टू नो अबाउट सीड सर्टिफिकेशन प्रोसेस सीड प्रोसेसिंग में सीड सर्टिफिकेशन प्रोसेस होती है वो आप पढ़ोगे कितने टाइप के सीड्स होते हैं सर्टिफाइड सीड रजिस्टर सीड फाउंडेशन सीड रीडर सीड न्यूक्लियर सीड तो आप इनके बारे में पढ़ोगे एंड अगैन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द सर्टिफाइड सीड दैट इज द डेप्थ ऑफ नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड बाई यू मीन्स इतना ही आपको नॉलेज होना चाहिए आपको टॉपिक लेना है जनरल आइडिया जनरल नोट्स प्रिपेयर करने हैं एंड से आपका पेपर हो जाएगा बिकॉज बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है इजी टू मॉडरेट ही लेवल रहता है क्वेश्चन का एंड दैट अगेन इज डुएबल इफ यू प्रिपेयर लाइक दिस ओके देन अगेन अगर हम सॉइल एंड कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे यू कैन सी

टूल्स इंप्लीमेंट्स मशीन्स के बारे में पढ़ोगे एंड क्वेश्चन इज आज फ्रॉम द ट्रैक्टर ओके देन अगेन प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप वैन यू स्टडी यू विल गेट टू नो अबाउट द प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप अगर आप प्रोसेसिंग पढ़ोगे यू विल गेट टू नो अबाउट ग्रेडिंग ओके पैकेजिंग पैकिंग क्या डिफरेंस होता है किस बेसिस पे ग्रेडिंग करते हैं एंड अगैन क्वेश्चन इज फ्रॉम द ग्रेडिंग व एनिमल हस्बेंड्री है नाउ स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन ओके यहाँ पे भी आपको सिलेबस को देखना है ईच एंड एवरी टॉपिक यू हैव टू कवर ना यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड ऑफ कैटल नाउ क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यूजली जितनी भी ब्रीड्स होती है जो यूटिलिटी ब्रीड है मीन कॉमन ब्रीड्स है इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है वहां से क्वेश्चन होते हैं एंड यू हैव टू कवर फॉर बोथ कैटल फॉर बफलो देन शीप गोट जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट ब्रीड्स हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कैटल से रिलेटेड गोड से रिलेटेड शीप से रिलेटेड दैन पोल्ट्री से रिलेटेड दैट यू हैव टू कवर बिकॉज क्वेश्चन आर आस्क फ्रॉम द ब्रीड पार्ट मोस्टली ओके

मतलब आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए जनरल चीजें पता होना चाहिए फिश के लिए रहने के लिए ऑप्टिमम एनवायरनमेंट कितना होना चाहिए कितना ऑक्सीजन डिजोल्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए ना ज्ञान क्वेश्चन इज फ्रॉम द दिजोल्ड ऑक्सीजन ओनली ओके कि कितना डिजोल्ड ऑक्सीजन होना चाहिए टू फिश टू ग्रो इन अ वाटर देन फॉरेस्ट्री से इंपॉर्टेंट चैप्टर इज अगैन इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं अगैन यू हैव टू कवर द बेसिक कन्सेप्ट ऑफ फॉरस्ट एंड फॉरेस्ट्री प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्विकल्चर फॉरेस्ट मेजरेशन क्या होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है फॉरेस्ट इकनोमिक्स कंसेप्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री ओके यू हैव टू कवर एंड यू कैन सी द इज आज फ्रॉम द सेम ओके अगेन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी इंपॉर्टेंट है यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके बी यूट्यूर रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन मेथड डेमोस्ट्रेशन फील्ड विजिट फार्म विजिट तो इन ये सारे जो डिफरेंट एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मेथड्स एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आई वुड से बिकॉज नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव

ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग फॉर फार्मर्स उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए दट इज अ पार्ट ऑफ तो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो वट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कितने सारे मेथड्स होते हैं अगेन ओके देन वी हैव इम्पोर्टेंट चैप्टर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स यूजअली बेस्ड ऑन योर एनालिसिस वैन यू विल डू द एनालिस ऑफ एटली फाइव इयर्स प्रीवियस विल गेट टू नो दैट देर आर फूल टर कंजर्वेशन प्लांटेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री सो स्टूडेंट ये तीन जो चैप्टर है ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं ओके okay? बिकॉज आप देखोगे एग्जाम में एटलीस्ट फिफ्टीन क्वेश्चन टोटल इन तीनों चैप्टर से ही होंगे Okay, so that is a huge weightage राइट देन फिशरीज फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट्री इज important फॉर योर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू तो ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से करने बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अगैन क्लियर सो दैट वॉज ऑल स्टूडेंट फॉर दिस वीडियो आई होप नाउ यू हैव गॉट द क्लैरिटी दट हाउ यू कैन डी कोर द सिलेबस बायर सेल्फ हाउ यू कैन एनालाइज दीवाइक्यूज राइट

वे कि आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो सब्जेक्ट के लिए सो दैट वॉज ऑल थैंक यू थैंक यू सो मच